हेलो स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम लोग आगे के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर तक हम लोगों ने टोटल 12 न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर चुके थे रेडिएशन के। आज हमारा लास्ट लेक्चर है रेडिएशन के न्यूमेरिकल्स का। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ मेटल स्फीयर एट 827 डिग्री सेल्सियस विद द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सेम स्फीयर एट 427 डिग्री सेल्सियस इफ टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग टी नॉट हम लोग 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है हमको, तो हम लोग लेंगे उसको 300 केल्विन। याद रखो केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी है। पहला टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 827 डिग्री सेल्सियस, इसको लिखते हैं हम लोग 1100 केल्विन, 273 ऐड करने। दूसरा टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 427 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम लोगों ने लिखा 600-700 केल्विन, है ना। हमको रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट यानी R1 अपॉन R2 ये निकालना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूला देखो, यहाँ पे ध्यान दो सब लोग, फॉर्मूला क्या है। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू T1 टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4 अपॉन T2 टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4। Therefore, R1 upon R2 is equal to 1100 to the power 4 minus 300 to the power 4 upon, लिखते चलो साथ ही साथ, 700 to the power 4 minus 300 to the power 4। सब में से दो दो जीरो कट हो जाएंगे क्योंकि कॉमन निकलेगा 2 0 to the power 8 10 to the power 8, सब में से कॉमन निकल के कट हो जाएगा। तो हम लोग ये स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं, Therefore, R1 upon R2 is equal to 11 टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 4 अपॉन 7 टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 4। अब 11 टू द पावर 4 कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना। 11 टू द पावर 4 कितना आएगा, 121 इंटू 121 1331 इंटू 11, है ना। तो 11 टू द पावर 4 आएगा 1 4 6 4 1, है ना, माइनस 3 टू द पावर 4 81। अब 7 टू द पावर 4 यानी 343 इंटू 7, 7 3 सा 21 2, 7 4 सा 28 33, 7 3 सा 21। ठीक है, नाउ अब 1 4 6 4 1 माइनस 81 10 6 1 कैरी, इट इज 14560, है ना। एंड देन 2401 माइनस 81 0, 10 माइनस 8 2 1 कैरी 2320, है ना, ये कैंसिल हो गया। अब 1456 अपॉन 232 सॉल्व करेंगे इसको लॉग से, क्या करेंगे हम लोग, इसको लॉग लेंगे 1456 3 पॉइंट, है ना। तो 1456 14 का 5 और 6 में, 14 का 5 और 6 में मेन डिफरेंस 1632 और नीचे आएगा 232 2 पॉइंट 23 2, 3655 एक्सट्रीमली सॉरी शिट, लेक्चर को पीछे लेकर जाओ और वो लॉग सॉल्व करेंगे हम लोग वहां पे। हाँ चलो आ गया, थैंक्स गॉड, है ना, मुझे लगा सब डिलीट हो गया कि क्या। ओके सो इट इज 12 माइनस 5 7 वन कैरी, 13 माइनस 6 7 वन कैरी, 16 माइनस 7 9 वन कैरी, 11 माइनस 4 7 वन कैरी, 0.7977
0.7976. ये आ गया इसका एंटीलोग एंड दिस इज अवर आंसर. देयरफॉर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट R1 अपॉन R2 इज 6.276. एक बार चेक कर लो आंसर आया क्या यही है. ठीक है, तुम इसको भी सिर्फ रेशियो में रख सकते हो या फिर ऐसा भी कैलकुलेट किया तो कोई टेंशन नहीं, चलेगा. ओके चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. कंपेयर द रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट बाय अ ब्लैक बॉडी मेंटेन्ड एट 727 डिग्री सेल्सियस एंड 227 डिग्री सेल्सियस इफ द ब्लैक बॉडीज आर सराउंडेड बाय एनक्लोजर एट 27 डिग्री सेल्सियस. सेम टाइप का प्रॉब्लम है. टी नॉट कितना यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस है. टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग यानी टी नॉट यानी कितना हो गया 300 केल्विन. पहला टेम्परेचर कितना है 727 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना हुआ ये 1000 केल्विन. दूसरा टेम्परेचर कितना हुआ 227 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना हो गया ये 500 केल्विन. R1 अपॉन R2 निकालना है. सेम तरीके से सॉल्व करना है R1 अपॉन R2. फॉर्मूला क्या लगाएंगे T1 टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4 अपॉन T2 टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4 है ना. तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1000 टू द पावर 4 माइनस 300 टू द पावर 4 अपॉन 500 टू द पावर 4 माइनस 300 टू द पावर 4. सब में से दो जीरो कट हो गए तो क्या बचा 10 टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 4 5 टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 4. 10 टू द पावर 4 यानी 10,000 माइनस 81 अपॉन 625 माइनस 81. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर पाओगे सब लोग. लेक्चर को पॉज करो और उसको सॉल्व करो है ना, और फिर लेक्चर को रिज्यूम करके उसका आंसर चेक करो. तो उसका आंसर जो है वो आना चाहिए 18.23. ये आंसर आना चाहिए. ठीक है, सॉल्व करना है सभी ने. ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. अ 60 वॉट फिलामेंट बल्ब लूजेस ऑल इट्स एनर्जी बाय रेडिएशन. एक बात ध्यान में रखना ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है. रेडिएशन फ्रॉम इट्स सरफेस. द एमिसिविटी ऑफ सरफेस इज 0.5. द एरिया ऑफ द सरफेस इज 5×10⁻¹ मीटर स्क्वायर. फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट. सिग्मा दिया हुआ है इतना. ओके ठीक है, देखो यहाँ पे गिवन में क्या है. यहाँ पे क्यू बाई टी गिवन है. मैंने याद है पिछले लेक्चर में बताया था जहाँ वॉट है वहाँ पे क्यू बाई टी लिखो. तो क्यू बाई टी कितना दिया हुआ है 60 वॉट है ना. एमिसिविटी दिया है स्मॉल ई का वैल्यू 0.5. एरिया कितना दिया हुआ है 5×10⁻¹ मीटर स्क्वायर. सिग्मा का वैल्यू कितना है 5.67×10⁻¹ जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन टू द पावर 4 है ना, टू द पावर 4. अपने को क्या निकालना है टेम्परेचर. ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू स्मॉल ई ए सिग्मा स्मॉल टी टू द पावर 4. देयरफॉर टी टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्यू बाई टी पहले लिख लेंगे अलग इंटू 1 अपॉन ये सब नीचे चल जाएगा. समझा नहीं ये स्टेप, थोड़ा सा समय लगा के ये स्टेप देख लो मैंने कैसे लिखा है. ओके देयरफॉर टी टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्यू बाई टी कितना दिया हुआ है 60 अपॉन 0.5×5×10⁻¹ इंटू 5.67×10⁻¹. ओके 5 12s. अब 0.5 यानी 1/2 होता है. 2 ऊपर चला गया 2×12 इज 24 अपॉन 5.67×10 का पावर ऊपर आ गया −5 −8 −13 ऊपर आ गया +13. अब ये डिविजिबल नहीं है 10⁴ t⁴ है ना. अब t अगर निकालेंगे याद रखना मैंने तुमको बताया था. अब t⁴ यानी अपने को क्या निकालना पड़ेगा 4th रूट निकालना पड़ेगा. मार्जिन में लिख लो 4th रूट के लिए 10 का पावर
शुड बी मल्टीपल ऑफ 4, 10 का पावर शुड बी मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि फोर्थ रूट निकालना है अपने को, ये टी टू द पावर 4 का वैल्यू निकला है, अपने को टी निकालना है, अपने को फोर्थ रूट निकालना है, तो इसको 10 टू द पावर क्या करना पड़ेगा, 13 है तो 12 करना पड़ेगा, क्योंकि 12 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 24 अपॉन 5.67 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 12, तो कैसा लिखा हम लोगों ने इसको, देयरफॉर टी टू द पावर 4 इज इक्वल टू 240 अपॉन 5.67 इंटू 10 टू द पावर 12, देयरफॉर टी इज इक्वल टू 240 अपॉन 5.67 टू द पावर 1/4, टेकिंग फोर्थ रूट, अपॉन 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर 12 टू द पावर 1/4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसका लॉग ले लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना, कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग 240 लेंगे विच इज 2 पॉइंट, कितना आएगा लॉग 240 यानी कितना आएगा 3802, फिर लॉग 5.67 लेंगे 0 पॉइंट, कितना आएगा 567, कल ही निकाला ना हम लोगों ने 7536, सबट्रैक्ट करेंगे 12 6 1 कैरी, 10 4 6 1 कैरी, 8 6 2, 13 7 6 1 कैरी 1, एंटी लॉक कितना हुआ 1.62 का 66 में, है ना, 0.62 का 6 में मिनट डिफरेंस, 4233 यानी 42.33 आया उसका, टू द पावर 1/4 याद रखना, और ये इसका कितना आंसर आएगा 10 to the power 3, 10 टू द पावर 12 इंटू 1/4, हाँ, therefore t is equal to, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, इसका मैं लॉग इधर लिख रहा हूँ, तुमने ना नीचे ही लिखना है, उसका लॉग मैं इधर लिख रहा हूँ, कैसे निकालेंगे टू द पावर 1/4, पहले क्या करेंगे लॉग 42.33 लेंगे, कितना आएगा 1 पॉइंट, है ना, 42 3 3 42 3 and 3, 6 2 6 6, है ना, 6 2 6 6 डिवाइड बाय 4, 6 24 2 6 और अब इसका एंटीलॉग लेंगे, एंटीलॉग कितना आएगा 0.40 का 6 में, 0.40 का 6 और 6 में मेन डिफरेंस 2551, है ना, 2551 यानी 2.551, 2.551 इंटू 10 टू द पावर 3, तो टेम्परेचर बिकम्स 2551 केल्विन। ये प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझो, स्टार मार्क करके रखो, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, है ना, स्टार मार्क करके रखो उसको, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ओके, समझ में आया सबको, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल क्यूब हैविंग ईच साइड ऑफ लेंथ 1 मीटर, यानी एल इज इक्वल टू 1 मीटर, लूजेज ऑल इट्स एनर्जी एट द रेट, यानी क्या देना चाहिए, यूनिट देख लेना, वॉट दिया है मतलब क्या लिखना है अपने को, क्यू बाई टी 3000, इमिसिविटी कितना दिया है 0.4, सिग्मा है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन टू द पावर 4, टेम्परेचर निकालना है, यहाँ एरिया नहीं दिया, पिछले बार एरिया दिया था, यहाँ लेंथ दिया है, तो सबसे पहला काम है एरिया निकालो, अब क्यूब के लिए एरिया कौन सा लेना, याद रखना फॉर क्यूब एरिया लेना पड़ता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है 6L², तो इट इज 6 × 1² दैट इज 6 m². अब ये एरिया आ गया, ठीक है, अब इक्वेशन वही, टी टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्यू बाई टी इंटू 1/e σ a, सॉरी a आएगा यहाँ पे, सभी वैल्यूज है तुम्हारे पास में,
क्यू बाई टी की वैल्यू डायरेक्ट 3000 है, अपॉन ई का वैल्यू 0.4, 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, और ए का वैल्यू 6 है, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व करोगे, तो अगेन एज आई सेड, इसको खुद होके सॉल्व करने का कोशिश करो, ओके। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर है वो आना चाहिए 385.3 केल्विन। ये बहुत अच्छे से दिमाग में फिट करके रखो कि ये आंसर अपने को लाना ही है, ओके। लाना ही मतलब देख के छाप के नहीं लाना है, ओके। तो सॉल्व कर दे जमेगा ये चीज, हाँ, ओके। नहीं समझता है तो मुझे लिखो, आई विल जस्ट क्लियर योर डाउट्स, है ना, मैं क्लियर कर दूंगा, ओके। लास्ट क्वेश्चन आज का, अरे भाई साहब बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना, चलो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। एज्यूमिंग दैट द टेम्परेचर एट द सर्फेस ऑफ द सन इज 6000 केल्विन, ओके, मैं इसको टेम्परेचर ऑफ सन लिख देता हूं। फाइंड आउट द साइज ऑफ द वर्चुअल स्टार, कोई तो एक इमेजिनरी स्टार है, इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ सन, ओके, हुज सरफेस टेम्परेचर, यानी सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्टार दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3000 केल्विन, एंड द पावर रेडिएटेड बाय द वर्चुअल स्टार इज 25 टाइम्स द पावर रेडिएटेड बाय द सन, पावर रेडिएटेड बाय द स्टार दैट इज 25 टाइम्स द पावर रेडिएटेड बाय सन, ओके। अपने को रेडियस ऑफ स्टार अपॉन रेडियस ऑफ सन निकालना है, ओके, ये देख लो, क्लियर। अब नाउ एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले एरिया ऑफ स्टार और एरिया ऑफ सन देख लेते हैं। व्हाट इज एरिया ऑफ सन? 4 पाई आर सन स्क्वायर। एरिया ऑफ स्टार 4 पाई आर स्टार स्क्वायर। अब ये लिखेंगे पावर रेडिएटेड बाय द स्टार दैट इज 25 टाइम्स पावर रेडिएटेड बाय द सन। नाउ व्हाट इज पावर का फॉर्मूला? पावर इज नथिंग बट क्यू बाई टी, और क्यू बाई टी का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा ए टी टू द पावर 4, ये फॉर्मूला है ना, क्यू बाई टी का फॉर्मूला है ना, सिग्मा ए टी टू द पावर 4। तो इसके लिए लिखेंगे सिग्मा ए स्टार इंटू टी स्टार टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू 25 टाइम्स सिग्मा ए सन इंटू टी सन टू द पावर 4। सिग्मा सिग्मा तो कट ही हो गया, व्हाट इज ए स्टार? 4 पाई आर स्टार स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 4, टी स्टार टू द पावर 4 यानी 3000 टू द पावर 4, 25 इंटू, व्हाट इज ए सन? ए सन इज 4 पाई आर सन स्क्वायर इंटू टी सन इज 6000 टू द पावर 4, 4 पाई कट हो गया, है ना, ये 3 जीरो तो सब में से कट ही हो जाएंगे इसमें से, है ना। तो आर स्टार स्क्वायर आर स्टार स्क्वायर इंटू व्हाट इज 3 टू द पावर 4? 81 दैट इज 25 इंटू व्हाट इज आर सन स्क्वायर इंटू 6 टू द पावर 4? 6 टू द पावर 4 यानी 6 6 36, 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर 40 32 0 8 4 3 12 1296, है ना। देयरफोर टेकिंग रूट आर स्टार इंटू 9, 25 का रूट 5 इंटू आर सन, 1296 का रूट 36, है ना, 9 1 9 4 सा, तो देयरफोर आर स्टार दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 4, 20 टाइम्स आर सन, दिस इज रेडियस, ओके, क्लियर विद दिस? हाँ, आगे देन में, तो ये हमारा आंसर है रेडियस का, ओके। तुम चाहो तो इसमें एरिया भी निकाल सकते हो, एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा,
ओके, एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, ये वैल्यूज यहां रखेंगे ओके, और डिवाइड कर देंगे। तो ए स्टार अपॉन ए सन दैट इज इक्वल टू 4π आर स्टार होल स्क्वायर अपॉन 4π आर सन होल स्क्वायर। 4π 4π कैंसिल, आर स्टार का स्क्वायर कितना हो गया 20 इंटू आर सन स्क्वायर, यानी दैट इज 400 टाइम्स आर सन स्क्वायर अपॉन आर सन स्क्वायर कैंसिल, ये इधर आ गया। तो देयरफॉर ए स्टार दैट इज 400 टाइम्स ए सन, ये एक आंसर हो गया। मेरे हिसाब से दोनों निकाल के रख देना चाहिए, है ना, चेक करने वाले को जो लगे वो चेक करेगा, है ना, समझ आया सबको। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ये है सारे न्यूमेरिकल्स ऑन रेडिएशन, और यहां पे रेडिएशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। ओके दैट्स इट।